सभी के प्रति ईशान की हुई सारी गलत फहमियां हुई। दूर ईशान ने सभी को किया माफ। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल घूम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले दृश्य में हम लोग देखेंगे। सभी का पक्ष लेते हुए ईशान अपना फैसला सुनाता है और ईशान सभी को माफ कर देता है, क्योंकि सभी के चाय की दुकान पर आने वाले बच्चों ने यह साबित कर दिया होता है कि वो सभी की दुकान पर मौज मस्ती करने नहीं बल्कि पढ़ाई करने जाते हैं। सभी बच्चों में पढ़ाई में रुचि बढ़ाने का काम करती हैं। सभी के दुकान पर आने वाले बच्चों ने इतनी गर्मी होने के बावजूद उन्होंने परीक्षा दिया और उत्तीर्ण हुए। ईशान सभी के इस काम के लिए उसे सराहना करता है और हाथ जोड़कर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इस चैलेंज को सभी जीत चुकी होती हैं। राव साहेब को ईशान ने इस बार बहुत जोर का तमाचा इस फैसले को लेकर दे देता है। रीवा भी ईशान के इस फैसले से नाखुश हैं, क्योंकि बात तलाक तक पहुंचने के बाद भी वो सभी से नफरत करने की बजाय उसके और भी करीब वो होते जा रहा है। दोस्तों, रीवा ईशान का पीछा करते हुए बाहर जाती हैं, जहां वो देखती हैं सभी ऑटो पकड़कर अपने घर जा रही होती है। तभी नीच में आकर ईशान उसे रोक लेता है और अपने साथ मंदिर चलने की बात वो कहता है। सभी मान जाती हैं, वो ईशान के साथ मंदिर चली जाती हैं। राव साहेब और रीवा देखते रह जाते हैं। ईशान और सभी महादेव मंदिर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। यह बात आक्का साहब को पता चलती है तो वो सभी को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आने वाली हैं।